इराक के मोसुल शहर में 39 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में इस बात की पुष्टि की। 3 साल पहले जून 2014 में 40 भारतीय मजदूरों से भारतीय अधिकारियों का संपर्क टूट गया था। इनमें ज्यादातर मजदूर पंजाब के रहने वाले थे, जो मोसुल में सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब तक उनके बारे में भारत या इराकी सुरक्षा बलों को कोई सुराग नहीं मिला था। मोसुल और आसपास के इलाकों में इस्लामिक स्टेट का कब्जा था, जिसकी वजह से वहां से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही थी। पिछले साल जुलाई में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि जब तक सबूत नहीं मिल जाते, तब तक किसी को मृत नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लापता मजदूरों के परिवार वालों से भी मुलाकात की थी। 2014 से पहले इराक में हजारों भारतीय नागरिक काम करते थे, लेकिन इस्लामिक स्टेट के लगातार हमलों के बाद इनमें से कईयों ने इराक छोड़ दिया था। लंबी लड़ाई के बाद जब मोसुल पर दोबारा इराकी सेनाओं ने कब्जा किया और आईएस को हराया, तो उम्मीद जगी कि इन लोगों के बारे में पता चल सकेगा। भारतीय मजदूरों के अपहरण के बाद आईएस ने 55 बांग्लादेशी मजदूरों को छोड़ दिया था। इन लोगों के साथ मिलकर एक भारतीय नागरिक हरजीत मसीह भी आईएस के चंगुल से भाग निकला था। उस वक्त मसीह ने यह दावा किया था कि उसे छोड़कर आईएस के आतंकियों ने सभी को मार दिया है, लेकिन उस वक्त सरकार ने मसीह के दावों पर यकीन नहीं किया। उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था 6 दूसरे सूत्र कह रहे हैं कि लापता हुए 39 भारतीय अभी भी जिंदा हैं। पिछले साल जुलाई में सरकार ने दावा किया था कि विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को इराक यात्रा के दौरान मिली सूचना के मुताबिक अगवा किए गए भारतीय इराक की बदूश जेल में हैं। इसके बाद जब आईएस और इराकी फौजों के बीच लड़ाई शुरू हुई, तो उसमें बदूश जेल पूरी तरह नष्ट हो गई। पिछले साल जब इराकी विदेश मंत्री अल जाफरी भारत आए थे, तो उन्होंने बताया था कि भारतीय जिंदा हैं या मारे गए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के 39 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि करने के बाद ही 3 साल से चली आ रही उम्मीदों का सिलसिला भी यही थम गया।